ब्रेक के बाद एक बार आप सबका फिर से रूबरू में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे आप जानते हैं कि आज रूबरू में हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं टाइगर हिल, यानी जिन्होंने टाइगर हिल पर कब्जा किया था 1999 में, कारगिल युद्ध के हीरो साबित हुए थे खुशहाल सिंह ठाकुर, सब आप जानते हैं। एक बार खुशहाल जी, आपका रूबरू में फिर से स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहती हूँ कि टाइगर हिल में जब आपने पाकिस्तानियों को खदेड़ा था, यानी जो घुसपैठी थे उन लोगों को खदेड़ा था, तो उस वक्त आपका सीना फक्र से ऊंचा हुआ था या फिर कहीं ना कहीं रंज था उन जवानों को खोने का जो आपकी यूनिट में थे? और साथ में आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी कि टाइगर हिल का महत्व हमारे इंडिया के लिए, हमारे देश के लिए क्या है? परी जी, जो टाइगर हिल का जो चोटी थी जी, जिसमें दुश्मनों ने बहुत भारी मोर्चाबंदी की हुई थी, और पाकिस्तान अक्सर ये बयान करता था कि जो टाइगर हिल की जो लड़ाई होगी वो मदर ऑफ ऑल बैटल्स होगी जी, यानी कि टाइगर हिल हम किसी भी तरह से हिंदुस्तानियों को नहीं देंगे, नहीं देंगे। लेकिन 4 जुलाई 1999 को मेरे नेतृत्व में 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल के ऊपर कब्जा कर लिया जी। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उसी दिन पूरे पाकिस्तान में एक खलबली मच गई, और वहां के प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ उसी दिन अमेरिका चले गए बिल क्लिंटन जी से मिलने के लिए जी। और वहां पर एक युद्ध विराम की अनकंडीशनल जो है संधि उनके साथ साइन कर ली। और जब अटल जी की यहाँ पे सरकार थी और उन्होंने मना किया कि मैं इस संधि में शामिल नहीं होगा, तो उन्होंने यूनिलेटरल आपस में दोनों में संधि करके ये किया कि ये हम युद्ध विराम अनकंडीशनल सीज फायर करते हैं। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो टाइगर हिल का ये हुआ। दूसरा इम्पैक्ट ये हुआ कि ये लड़ाई दराज सेक्टर में लड़ी गई, जैसे मैंने बताया तोलोलिंग और टाइगर हिल की पहाड़ी जीतने के बाद देशवासियों का और सेना का जो मनोबल है वो बहुत बड़ा, और दूसरी तरफ पाकिस्तानियों का जो मनोबल है वो गिरा, जिसकी वजह से जो आपके दूसरे सेक्टर हैं, कारगिल सेक्टर हैं, बटालिक सेक्टर हैं, वहां पे भी जीतने में हमको बहुत फायदा मिला। और जो हमारा रसद का सामान था या ट्रूप्स की मूवमेंट थी वो लेह के लिए भी पूरी तरह से खुल गई थी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, बहुत महत्वपूर्ण विजय है। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि विजय हासिल करने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है जी। कारगिल युद्ध के दौरान 527 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति इस यज्ञ में दी है जी। मेरे यूनिट 18 ग्रेनेडियर्स के 34 बहादुर ऑफिसर्स, जेसीओस, जवान ने इसमें अपने जीवन का बलिदान दिया है जी। और 95 जवान इसमें घायल हुए हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि देश भक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए कोई भी बलिदान देश के लिए पड़ा नहीं है। हाँ, आज दिल में बहुत दुख होता है कि जो मेरे परिवार के जो लोग थे, जिनके साथ मैं खेला कूदा बड़ा हुआ जी, और 900 आदमियों को जो मैं लड़ाई में ले गया था जी, उनमें से 34 को मैं वापस घर नहीं ला सका, नहीं ला पाए। वो एक रंज जरूर है जी। लेकिन मुझे उनकी वीरता पे, उनके त्याग पे, उनके बहादुरी पे, उनके शहादत पे एक बहुत बड़ा गर्व है कि मेरे नेतृत्व के नीचे मेरे आदेश को मानकर उन्होंने अपने देश के लिए अपने जीवन के सब कुछ समर्पित कर दिया। खुशहाल जी, मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, जब ये लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त वाजपेयी जी प्रधानमंत्री होते थे, तो उन्होंने क्या इस लड़ाई को करने के लिए तुरंत आदेश जारी किए थे या फिर कुछ सोचा था उन्होंने? नहीं, जैसे ही मैंने बताया कि शुरू में तो इंटेलिजेंस की कमी रही जी, जिस वजह से ये नहीं पता लग रहा था कि घुसपैठिए हैं या रेगुलर्स हैं या उन्होंने वाकई में ही हमारी इतनी लंबी 150 किलोमीटर चोटियों पे कब्जा कर लिया है जी। लेकिन जब एक बात ये तय हो गई और उनके संज्ञान में बात लाई गई जी, तो दो राय नहीं थी, उन्होंने एकदम निर्णय लिया कि जल्दी से जल्दी इनको अपनी जगह से खदेड़ा जाए और वापस पीछे धकेला जाए जी। मैं आपसे यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे यहाँ से विक्रम बत्रा जी होते थे, तो उन्हें भी परमवीर चक्र से नवाजा गया है, और जब वो जा रहे थे लड़ाई लड़ने तो उस वक्त वो आपसे मिले थे। बिल्कुल मुझे याद है वो क्षण। ये बात है तोलोलिंग की लड़ाई में जी, जब हमने तोलोलिंग की लड़ाई, ये बात है 12-13 जून 1999 की जी।
और कैप्टन विक्रम बत्रा जो है वो 13 जैकरिफ के हैं जी और बहुत अच्छी यूनिट है, और इसको इस लड़ाई में दो परमवीर चक्र मिले हैं जी और दोनों हिमाचल के हैं। जी और जो सिपाही संजय कुमार और जी कैप्टन विक्रम बत्रा दोनों बत्रा हिमाचल से हैं। जी तो 13 जैकरिफ ने बहुत अच्छी एक यूनिट थी। तो जब रात को हमने तोलोलिंग पे जब कैप्चर कर लिया था तो इनके कमान अधिकारी मुझे याद है कर्नल जोशी और ये साथ में थे। तो आगे एक पॉइंट पड़ता था 0.4875, उसको कब्जे में करना था। तो जिसके लिए इनको ये टास्क दिया गया था कि आपने कब्जे में करना है, क्योंकि वहां लड़ाई मैंने लड़ी थी तो मुझे मालूम था कि दुश्मन किस किस पॉकेट्स में है और किन किन चोटियों पे है और उसके हथियार कहाँ कहाँ है और कैसे कैसे फायर कर रहा है। जी। तो उनकी ब्रीफिंग कैप्टन विक्रम बत्रा की और कर्नल जोशी की मैंने की थी। जी। और जब मैं इनसे मिला था तो ये मुझे बहुत खुशी हुई इनसे मिलके कि जो उत्साह इनके बीच में था, जो जोश और जनून और जो जज्बा इनके बीच में था वो वाकई काबिले तारीफ था जी। और जो उन्होंने बाद में लड़ाई में सिद्ध किया जी। आपकी यूनिट को 52 यानी 52 जो वीरता पुरस्कार मिले हैं आपकी यूनिट को मिले हैं, और एक जवान को वीरता यानी वीरता जो पुरस्कार मिलते हैं वो कितने मायने रखते हैं वो पुरस्कार? परी जी, मैं कहना चाहूंगा कि लड़ाई के लिए कुछ खोने के लिए कीमत देनी पड़ती है जी। और जैसे मैंने बताया कि मेरे 34 रण वांकुरे शहीद हुए, लेकिन भारत के महामहिम और मेरे देशवासियों ने 52 वीरता पुरस्कार मुझे इस लड़ाई में दिए जी। और जो कि एक ऐतिहासिक है मिलिट्री हिस्ट्री में, मिलिट्री हिस्ट्री में आज तक किसी भी सिंगल ऑपरेशन में इतने सारे वीरता पुरस्कार नहीं मिले हैं जी। आप हैरान होंगे, मुझे एक परमवीर चक्र जो हमारे हवलदार योगेंद्र यादव को मिला जी। दो महावीर चक्र कर्नल विश्वनाथन जी। और जिनकी मौत मेरी गोद में हुई लड़ते लड़ते, हम दोनों हमले में थे, जो मेरे जिनकी जो अंतिम सांस मेरी गोद में ली उन्होंने तोलोलिंग की लड़ाई में जी। और मेजर राजेश अधिकारी जी। जो तोलोलिंग की लड़ाई में शहीद हुए, इन दोनों को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया जी। और एक लेफ्टिनेंट बलवान सिंह है उन्हें भी इन चक्र से सम्मानित किया गया। 6 वीर चक्र, 16 सेना मेडल, 1 शौर्य चक्र, इस तरह से 52 पुरस्कार। तो मुझे बहुत खुशी है कि ये मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं उन अपने परिवार के लोगों का खोने का दुख भी कहीं ना मलाल भी कहीं ना कहीं जरूर है जी। मैं आपसे यहाँ पे ये जानना चाहूंगी, एक जवान को लड़ाई लड़ना जो युद्ध होता है वो कितना गर्व की बात होती है? मैं आपको सच बताऊं, एक जवान जब कसम खाता है जी, तब वो एक ऐसा ही व्यवसाय है मेरे ख्याल पूरे विश्व में, सिर्फ भारतवर्ष में, जो ये कसम ये खाता है कि जब जब मेरे देश को मेरी जरूरत पड़े तो मैं अपने प्राणों की बाजी भी लगाऊंगा, और इस कसम को वो निभाता है। और आप देखेंगे 1948 से लेकर आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं सैनिकों को उसको निभाया है, और मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं मुझे बहुत गर्व है सेना के ऊपर, आगे भी इसको निभाएगी जी। जहां तक वीरता पुरस्कार का बात है, जब वो मेडल उसकी छाती पे लगता है या उसके घर वाले उसको सम्मान देकर एक घर में सजा के रखते हैं, यह हमेशा उस बहादुरी की, उस शौर्य की, उस पराक्रम की हमेशा याद दिलाता रहता है, जो कि एक सैनिक में उसके ट्रेनिंग से लेकर आखिर तक जब तक कि वो रिटायर नहीं होता वो भरी जाती है। और 3 बातें हम उसको ट्रेनिंग के दौरान में बताते हैं, नाम, नमक और निशान। नाम अपने परिवार का, अपने गांव का, अपने समाज का जी। नमक जिस सरकार का, जिस देश का आप नमक खा रहे हैं, निशान मेरी रेजिमेंट का, और सबसे ऊपर मेरे देश का निशान, तिरंगे का निशान। ये चीजें उसके हमने कूट कूट के उसके अंदर भरी जाती हैं। तो इसलिए नाम, नमक, निशान के लिए उसके लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है जी। तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी रूबरू जारी है।